और अभी लास्ट जो सिक्स आवर्स में ट्वेल्व किलोमीटर पर आवर मूव कर रहा है और ये उत्तर उत्तर पूर्व दिशा में मूव कर रहा है अभी तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि बीस तारीख को आफ्टरनून और इवनिंग के बीच में ये लैंडफॉल लैंड को आपका जो है बांग्लादेश का हटिया आइलैंड एंड आपका जो है वेस्ट बंगाल का दीघा उस एरिया से क्रॉस करेगा सरो क्या अभी तो रह रहा है बारह किलोमीटर पर स्पीड को मूव कर रहा है जब सेंट्रल आपका है सेंट्रल वेस्ट जो बे ऑफ बंगाल है उसको क्रॉस करके जब नॉर्थ बे ऑफ बंगाल जो उड़ीसा बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल कोस्ट एरिया में अंदर घुसेगा जब ये एक्सट्रीमली सिवियर साइक्लोन स्ट्रम तो एक्सपेक्टेशन ये है कि उसका जो मूवमेंट का स्पीड एक्सीड करेगा तो बहुत ज़्यादा लास्ट आपका जो रिकॉर्डेंचर होने के बाद अभी धीरे धीरे जो उसका स्पीड भी बढ़ रहा है तो हम लोग का एक्सपेक्टेशन ये है कि बीस तारीख आफ्टरनून के बाद ये लैंडफॉल करने का चांसेस है